जबलपुर के इंदिरा गांधी वार्ड के बैदरा मोहल्ला कमेटी के लोगों ने गड़ा थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गोहलपुर निवासी किसी शेख असलम नामक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। शाही नाका पर स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन को बैदरा मोहल्ला कमेटी द्वारा बेच दिया गया। सोशल मीडिया पर यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इस मैसेज के माध्यम से यह बात कही जा रही है, बैदरा मोहल्ला कमेटी ने किसी रामदत्त पांडे नामक व्यक्ति को कब्रिस्तान की जमीन बेच दी है। शिकायत में बताया गया है कि कब्रिस्तान की जमीन का खसरा नंबर 718 है और रामदत्त पांडे का जो कब्रिस्तान के पास प्लॉट है उसका खसरा नंबर 717 है, जिसकी गलत जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है और बैदरा कमेटी के पुराने ईमानदार अध्यक्ष के साथ साथ पूरी कमेटी को बदनाम किया जा रहा है। बैदरा कमेटी ने इस मामले में पुलिस से गोहलपुर निवासी शेख असलम पर कार्रवाई करने की मांग की है। जी भैया, क्या वजह है आप लोग थाने आए? ये हमारी बैदरा मोहल्ले कमेटी की जो कब्रिस्तान है शाहीना का गढ़ा में, इसका कोई शेख असलम करके है गोहलपुर का, इसका कहना ये है कि बैदरा मोहल्ले की जो सोसाइटी है कमेटी कब्रिस्तान की, जो भ्रष्टाचार कमेटी करके बोला गया, इसने पब्लिक सोशल मीडिया में मैसेज फैलाया है कि जिसमें बैदरा मोहल्ले की भ्रष्टाचार कमेटी द्वारा शाहीना का बैदरा मोहल्ले की कब्रिस्तान बेची जा रही है किसी इसको बेच दी गई है पांडे को, रामदत्त पांडे को, ठीक है। उसमें अपना ये है कि बैदरा मोहल्ले का जो खसरा है 718 है और रामगोपाल पांडे जी का वो रामदत्त पांडे जी का जो खतरा है वो 717 है। 717 का इनने देकर नाम बैदरा मोहल्ले के अध्यक्ष हमारे जो हैं पुराने सब काफ़ी साल से जो अध्यक्ष चले आ रहे हैं, इनको बदनाम करने का और इनका नाम का गलत फैलाने का इनने वहाँ पे दिया है कि उसमें मैसेज में कि इसका जो है खतरा बताकर इनने कब्रिस्तान की ज़मीन बेची जा रही है। आज आप क्या के लिए आए हैं? हम इसमें यदि आए हैं कि यो ये शेख असलम करके है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसने जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष को है, जो अध्यक्ष को इन्हें नाम बदनाम करने के लिए इन्हें जो सूचना सब में दी है पूरे जबलपुर शहर से, हम अध्यक्ष के पास मैसेज आ रहे, कॉल आ रहे कि आप लोग बैदरा मोहल्ले की कमेटी जो है कब्रिस्तान क्यों बेच रही है, जबकि ऐसा कोई लेना देना किसी का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैला जा रही है बैदरा मोहल्ले की कमेटी को बदनाम करने के लिए। तो हम यहाँ पे आए हैं गढ़ा थाने में। जमीन किसको बेची गई है, किसके नाम से है? ये जमीन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से ये बैदरा मोहल्ले की कब्रिस्तान चली आ रही है। 1853 से इसका ऑन रिकॉर्ड है बैदरा मोहल्ले की कब्रिस्तान शाहीना का गढ़ा, जिसका खतरा है 718 इसका मैटर है, जिसका खतरा है 718 और 717 का इसने मैसेज डाल के बैदरा मोहल्ले की भ्रष्टाचार कब्रिस्तान जो है बता रहा है कि बैदरा मोहल्ले के अध्यक्ष जो है कब्रिस्तान को बेच रहे हैं किसी रामदत्त का मकान जो है अलग है, उनका खतरा हाँ ये बैदरा मोहल्ले के मुस्लिम संप्रदाय के करीब 40-50 लोग एकत्रित होकर आए और बताए कि एक व्हाट्सएप में मैसेज जो है वो संजीवनी नगर रोड पे कब्रिस्तान है, उसकी ज़मीन बिक गई है और उसको कमेटी ने बेच दिया, ऐसा कोई भ्रामक मैसेज जो है व्हाट्सएप में कर रहे हैं। और मैसेज करने वाले के विषय में बता रहे हैं कि MD असलम कोई हैं और गोहलपुर क्षेत्र के, तो राजीव गांधी वार्ड के, तो उनके नंबर से ऐसा भ्रामक मैसेज वो किया जा रहा है। तो अभी ये लोग का ये कहना है कि उस पर प्रथम सूचना दर्ज की जाए, तो अभी वो आवेदन दे रहे हैं और जो भी मुनासिब कार्रवाई हो। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।